तो हेलो दोस्तों, इंडिया वाज ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया ने कैसे धोनी की रणनीति से चेन्नई में किया ऑस्ट्रेलिया का शिकार। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप मैच के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद थी और हुआ भी ठीक ऐसा ही। टॉस भले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन मैच टीम इंडिया की झोली में आया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर ऑल आउट कर जीत की नींव तो रख दी थी, लेकिन जीत के लिए टीम इंडिया को पूरा जोर लगाना पड़ा। महज 2 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। पहली बार वनडे में ऐसा हुआ कि भारत के टॉप 4 में से 3 बैटर्स खाता नहीं खोल पाए। वो तो केएल राहुल और विराट कोहली टिक गए और चौथे विकेट के लिए 150 से अधिक रन की साझेदारी कर भारत को जीत दिला दी। टीम इंडिया ने इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति का इस्तेमाल कर ऑस्ट्रेलिया का शिकार किया। विकेट देखने के बाद रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 स्पिनर्स के साथ उतरने का फैसला लिया और टीम इंडिया का ये दाव काम कर गया। धोनी भी आईपीएल में जब चेन्नई के मैदान पर मैच खेलते थे तो इसी रणनीति का इस्तेमाल करते थे और अधिकतर मुकाबलों में 200 अधिक स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरते थे। रोहित शर्मा भी धोनी के नक्शे कदम पर चले और ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटने में सफलता हासिल की। मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा को विकेट देखकर ये एहसास हो गया था कि परंपरागत चैपाल विकेट था जिस पर वो गेंदबाजी करें, जहां गेंद इतनी तेज से स्पिन होती है कि बल्लेबाज के पास पिच के पेस से तालमेल बिठाने का मौका नहीं होता है। इसलिए जडेजा बार बार कप्तान रोहित शर्मा को इशारा कर गेंद मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस ट्रैक पर कैसी गेंदबाजी करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल में 2 महीने जब आईपीएल होता है तो एमएस धोनी ने चैपाक यानी घर में होने वाले मुकाबलों के लिए खास रणनीति तैयार की होती, जिसे चेन्नई सुपर किंग अपनाती है। दरअसल सीएसके आईपीएल के घरेलू मैच के लिए ऐसी पिचे तैयार करवाती है जिस पर उसके 3 स्पिन गेंदबाज खेल सकें, खासकर वैसे गेंदबाज जो सीधे विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और जडेजा उनमें से एक है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अश्विन और कुलदीप से ज्यादा सफल रविंद्र जडेजा रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।